आदरणीय मित्रों, संगमर का जो विषय और भूमिका रखी गई थी उसको प्रारंभिक स्तर पर पढ़ते समय मुझे कोई बहुत अधिक पसंद नहीं आई थी। मुझे लगा था कि इसमें क्या होना चाहिए, इसका क्या औचित्य हो सकता है, लेकिन उन्हीं बिंदुओं को भीतर तक जाते हुए अगर मेरा चिंतन इस दिशा में हुआ तो वो इस दिशा में गया कि मैं लेखक क्यों हूं, मैं लिखता क्यों हूं और अन्य लोग भी क्यों लेखक हैं या लेखन की समाज में आज के समय में क्या उपयोग देता है और क्या लिखा जाना चाहिए और जो लिखा जा रहा है क्या वो आज के लिए बहुत उपयुक्त है, सार्थक है या नहीं। तो मेरा प्रश्न तो यहां से शुरू हुआ कि मैं लेखक कैसे बन गया और वो मुझे अपना कॉलेज का समय याद आ रहा है कि हम ना तो मैं साहित्य का विद्यार्थी था लेकिन कुछ लोगों का समूह था, साथ के विद्यार्थियों का, हमने चिंतन नाम से संस्था बनाई और उसका एक हमने आयोजन किया। वो आयोजन भी बड़ा फैला हुआ सा था कि जिसमें आप किसी की भी कविता का पाठ कर सकते हैं या अंत तक गाना भी गीत भी सुना सकते हैं, लेकिन वो कौमी एकता पे कार्यक्रम। और मेरे मित्रों ने कहा कि नहीं, आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और मेरा नाम कविता में लिख दिया जबकि मैं ना तो कभी एक कविता मैंने जीवन में लिखी। तो मैंने सोचा किसी की भी पढ़ सकते हैं। तो मैं प्रकाश जैन के घर मेरा आना जाना था, उनके पुत्र मेरे मित्र थे, मैंने सोचा उनके यहाँ से कोई दो कविता मांग लाऊंगा और मैं कविता सुना लूंगा। संयोग से उनके घर गया तो उनके ताला तो रात को बैठ के मैंने दो कविताएं कौमी एकता पर लिखी और वो आयोजन में करीब 52 पार्टिसिपेंट थे जिसमें अच्छे संगीतकार म्यूजिशियन, और उन दो कविताओं का जो मैंने पाठ किया वो उसने प्रथम स्थान पर। तो इससे एक मेरी छवि ये बनने लगी कि ये तो कविता लिखता है। तो मैंने और कविताएं लिखी कॉलेजों में, उस समय कविता प्रतियोगिताएं हुआ करती थी दो चार जगह बाहर जा करके। तो कविता से ये सिलसिला सिर्फ संबंधित नहीं था, लेकिन क्या मेरी कल्पना में कभी ये था कि मैं कवि बनूंगा या लेखक बनूंगा या बनना चाहिए? तो उसका उत्तर वही है जो हिंदुस्तान में अधिकतर लोगों के साथ होता है कि उससे कहते हैं कि अच्छा लेखक हो लेकिन करते क्या हो। तो प्रश्न तो वही था कि करते क्या हो, तो यानी नौकरी आपको करनी है, आपको कोई अच्छा सा व्यवस्थित जीवन जीने का आधार ग्रहण करना है। तो ये कविता से जुड़ाव तो बना रहा लेकिन अल्टीमेट यात्रा नौकरियों में चली गई। मैं LIC में रहा और कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट में रहा और वहां जाके मुझे लगा कि शायद यहाँ पर मुझे नहीं ही होना चाहिए था कि ये मेरे व्यक्तित्व से मिलता नहीं। संयोग से मैंने MA हिंदी भी कर लिया और हिंदी का लेक्चरर बन गया और इसी संयोग से मैं साहित्य से जुड़ता चला गया। तो एक पूरा एक 7-8 साल के दरमियान मैंने 28-29 साल की उम्र में साहित्य से वो वाला रिश्ता कि जिसमें साहित्य के आरों के बीच बैठ सकूं और बात कर सके विमर्श, वो काफी लेटर एज में बना। और मैं समझता हूँ संयोग से बना क्योंकि मुझे हिंदी साहित्य की में प्राध्यापक का पद मिल गया। अगर नहीं मिलता तो मैं कस्टम एक्साइज में कुछ भी असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह होता और कुछ जो सब कुछ कर्म दुष्कर्म महा होते हैं उसका अंग बन चुका होता। यानी व्यक्ति का निर्माण किस दिशा में और कैसे होता है इसमें संयोग का भूमिका है। कोई चाहकर लेखक बनना और चाहकर कवि बनना मुझे लगता है या मेरे अनुभव के हिसाब से कम है, इसमें इसका अनुपात कहीं ज्यादा है कि वो क्यों। अब क्या लिखना, आपके लेखन के सरोकार क्या है, ये रिश्ता मुझे 1996 के बाद सामाजिक आंदोलनों से के साथ जुड़ने से और ये संयोग भी मुझे
इसी नाते मिला कि मैं अपने व्यवसाय नौकरी का जो आधार था वो बदल चुका था और मेरे पास एक समय था कि मैं इनके साथ जुड़ सकूं। राजस्थान के चाहे मानव अधिकार के आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो, सूचना का अधिकार आंदोलन उसी समय शुरू हुआ था, इन सब के साथ भागीदारी ने मेरी कविता की दिशा को बदला और मुझे लगा कि मुझे वो बात कविता में कहनी चाहिए जो आज के लिए बहुत गंभीर है और जिसको कहा जाना बहुत जरूरी है और जिसको शायद कहा कम जा रहा है, या वो कहने से मुझे अपना एक भीतरी संतोष हुआ कि जो आक्रोश या जिस अव्यवस्था या विसंगति विडंबना को हम देख रहे हैं जी रहे हैं वो कविता में फलित होती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो यहां से कविता का जो संबंध है उसमें मुझे लगता है कि जो कविता में मानवीय सरोकार होने चाहिए वो सीधे सीधे उतर के आते हैं। अभी सीधे सीधे उतर के आना और नहीं उतर के आना की एक बात है, क्योंकि लेखक यह भी कहते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, हमारा काम पोस्टर बैनर लेकर घूमना नहीं है, हम तो अपनी कलम से जो लिखते हैं वही अल्टीमेटली समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। तो मेरा रोल या मेरी भूमिका यही जाकर समाप्त हो जाती है कि मैं क्या लिख रहा हूं उसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पढ़ ही लिया जाएगा और उसको पाठक ग्रहण भी करेगा और क्रांति तो है बहुत आगे की चीज है लेकिन उसमें परिवर्तन जो है या उसमें सामाजिक सरोकार मेरे लिखे हुए को पढ़ने से जागृत हो जाएंगे तो मेरा काम यहीं तक सीमित रहना चाहिए। मैं अपने व्यक्तित्व को इस तरह से नहीं गढ़ पाया या मुझे नहीं लगा कि मुझे बार बार ये भी लगता रहा कि समाज में रहते हुए जिस समाज को हम बदलने की बात करते हैं, जिस समाज को हम सुधारने की बात करते हैं, संवारने की बात करते हैं, उसमें सीधे सीधे हस्तक्षेप भी उतना ही जरूरी है, उसके बिना हमारी कहीं ना कहीं लड़ाई अधूरी रह जाती है, ये विवादास्पद भी बात हो सकती है क्योंकि इसमें वो पक्ष या वो साहित्यकार ज्यादा है जो ये बात करते हैं कि हस्तक्षेप हमारा काम नहीं। लेकिन कोई क्या करता है और क्या नहीं करता है ये उसका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, तो मैं ये भी नहीं कहता कि मैं करता हूं तो मैं भी बहुत अच्छा काम करता हूं और जो दूसरे लोग नहीं करते वो नहीं करता। हर एक का अपना अपना समाज से इंटरेक्शन करने का, उससे बातचीत करने का एक तरीका होता है। तो उस रूप में ही जो समाज की विसंगतियां और विडंबना ही कविता के साथ साथ जो मेरा लेखन हुआ वो व्यंग में हुआ और व्यंग भी खुद ही विडंबनाओं से उपज कर सामने। एक जो पूरी विसंगति मुझे लेखक समुदाय और जो समाज के लिए काम करने वाले आम सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच जो दूरी दिखाई देती है वो मुझे कई बार प्रेरित करती है। हम कहते तो हैं कि ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कि ये बहुत महान रचना है जो सामाजिक जागृति का बहुत बड़ा बात करती है ना, या लेख या ये उपन्यास, उसको जिसके लिए लिखा गया क्या वो उसको पढ़ रहा है, क्या उस तक पता है कि उसके बारे में क्या सोच है, क्या वो जिसको हम परिवर्तित या जिसके भीतर हम संवेदना जागृत करना चाहते हैं क्या वहां तक हम पहुंच पा रहे, मुझे उसमें बहुत दूरी दिखाई देती है। तो अगर हम ये बात करें कि हम साहित्य से ये रच देंगे या अपने साहित्य से ये कर देंगे वो कर देंगे तो वहां मुझे सीमा दिखाई देती है और मुझे लगता है कि हमारा साहित्य उन्हीं 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000 लोगों तक सीमित है जो साहित्य रचते हैं, जो साहित्य को अपने उन 10,000-20,000 लोगों के भीतर बांटते हैं, लिखने पढ़ने वाले 50,000 कर लीजिए तो बड़ी संख्या है, लेकिन उसके बाहर उसकी रीच नहीं है।
तो जिस समाज के लिए हम लिख रहे हैं वहां मुझे लेखन के औचित्य पे कई बार प्रश्न मन में उठता है। हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हमको 25-20-25 लोग हमारे वरिष्ठ लोग सराहना कर लें, हम संतोष कर लें कि मेरी कविता सबने सराही, पाठकों ने पढ़ ली, मैं भी कहता कर फेसबुक पे भी डाल देता हूँ, उसके 25-50 लोग लाइक भी कर देते हैं। और वो लाइक कैसे होते हैं कि अगर जिस कविता को 3 मिनट में पढ़ा जा सकता है उसके डालने के 3 सेकंड बाद ही उस पर लाइक भी आ जाता है। लेकिन हमारा संतुष्टि का भाव है कि हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बहुत अच्छा या बहुत महान काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी समाज में अभी तक तो ये बचा हुआ है कि जो लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, वो अच्छे व्यक्ति होते हैं। अभी तक तो समाज में बचा हुआ है। एक समय 20-30 साल पहले उन्हें बहुत अच्छा मान माना जाता था, अब लेकिन सत्ता ने तो खैर ये मानना छोड़ ही दिया कि वो लोग अच्छे लोग होते हैं या इनकी कोई आवश्यकता भी है। उससे बेहतर उनके लिए जो विज्ञापन लिखने वाले हैं, विज्ञापन डिजाइन करने वाले हैं, उसका बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं, उनके लिए वो लोग लेखक, ऐसे के लोग उनके लिए गीतकार हैं, ऐसे ही लोग उनके लिए नाटककार हैं, ऐसे लोग उनके लिए उपन्यासकार हैं। खैर उनकी छोड़े, लेकिन समाज में भी कमोबेश स्थिति यही है कि जो साहित्य या सार्थक साहित्य समाज से दूर है, और इस दूरी के प्रति हम कितने चिंतित हैं, मुझे लगता है ये वाली बात भी, ये प्रश्नों को भी हमें सोचना चाहिए। आपकी रचना बहुत अच्छी है, वो हो सकता है कालजयी हो जाए, वो 200 साल बाद आप, या 200 नहीं 20 साल बाद, 30 साल बाद भी पोर्टेबल रहे, लेकिन वो कोटेबल रहते हुए किसके लिए हैं ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने राजस्थान के जो सूचना के अधिकार का आंदोलन देखा, उसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाने वाले शंकर सिंह हैं, जो कि कठपुतली भी जानते हैं, जो थिएटर भी जानते हैं, जो लिखते भी हैं। मुझे लगता है कि वो कई साहित्यकारों से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक गीत कि जो बन गया कि राजस्थानी का कि चोरवाड़ो दोनों भोगियो रे कोई तो मुंडे बोलो, और सरपंच पैसों खा गयो और सत्ता ये खा गई और ये खा गया लेकिन कोई तो मुंडे बोलो। और ये जो सीधा जनता के बीच जाके संपर्क करता है, वो आपके कोई सी बड़े प्रतिरोध के उपन्यास से कहीं ज्यादा सार्थक। तो मुझे लगता है कि साहित्यकार को समय में हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरा भी जो भी कविताएं हैं जैसी भी हैं, वो समय से ही उपजकर सामने आती हैं, और समय ही कहीं ना कहीं उद्वेलित करता है, तब रचना लिखो। कई बार मैं भी सोचता हूं इस रचना की क्या कोई शाश्वत उपयोगिता होगी। कई बार बहुत सारी कविताओं को मुझे लगता है कि ये आज तो समझ में आ रही है, लेकिन शायद भविष्य में समझ में आए या ना आए। एक छोटी सी कविता कोट भी कर देता हूं कि सियासत ने कर दिए हैं सींग पहने, शेर से भी तीखे हो गए हैं पंजे, पास जाओ तो मारती है दुलकती गाय आजकल सत्ता में। अभी गाय का सत्ता में हो जाने का रूपक आज तो समझ में आ सकता है कि जिस तरह की गाय पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन ये रूपक 100 साल बाद कितना काम का होगा, नहीं होगा, खत्म हो जाता है। तो क्या ये नहीं लिखा जाए, क्योंकि इसकी उपयोगिता है। अभी अविनाश जी कह रहे थे उनके अंतिम वक्त के वे के इस समय जो बात आ रही थी उससे मेरी सहमति कम है कि वो उसका अर्थ यही था कि
जो भी लिखा जाए वो शाश्वत उसके लिए लिखा जाए। हम अपने समय से हाथ मूंद करके शाश्वत लिखने के लिए क्या अपने लिए लिख रहे हैं कि हमें 100-200 वर्ष बाद तक भी मतलब एक कोई छोटे किस्म का अमृत हमें प्राप्त हो जाए, क्या हमारा लेखन इसलिए है? या हम अपने समय को कुछ सार्थक परिभाषित करके उसमें परिवर्तन का काम करके बायस इसका एक माध्यम हम बन सके, हमारा लेखन बन सके। तो मेरी अधिकांश कविताएं समय से मुठभेड़ करते हुए निकलती हैं। कोविड काल में जो लॉकडाउन हुआ उसको जिस तरह से मानवाधिकार पहली बार हमने देखा कि हम अपने घरों में बंद कर दिए जा सकते हैं, चाहे उसका कारण कोई दूसरा हो, स्वास्थ्य हो, लेकिन सत्ता हमें चाहे तो हमें अपने घर के अंदर बंद कर सकती है। इससे और जिनको बंद किया, और हम तो चलो अपने घर थे, हमारे पास घरों में बंद थे, लेकिन जो जिनके पास घर नहीं थे, जो किराए के घरों में थे, जो मजदूरियों में थे, वो तो अपने घर की तरफ भाग रहे थे। ऐसा मानवाधिकार का हनन किसी समय में नहीं कि जब घर से बाहर निकलने में पुलिस वाला आपके ऊपर लाठी बरसाता है, आप सब्जी लेने दूध लेने भी जाए तो निश्चित समय से बाहर। तो ऐसा तंत्र नहीं बने इस सत्ता से लड़ाई के लिए कितनी अब जैसे कोविड खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, उस समय लोगों ने बहुत रचनाएं अधिक लिखी थी, लेकिन वो हमारी 2 वर्ष 1 वर्ष की परिधि में ही हमारे चिंतन से बाहर जा रहा है। तो क्या सत्ता से सत्ता इतनी केंद्रीकृत नहीं हो जाए कि हमारी मनुष्यता का दमन करने लगे? तो ऐसी सत्ता से लड़ने के लिए क्या हमें आज नहीं लिखना चाहिए? तो अगर वो लॉकडाउन एक सामयिक व्यवस्था है, हमारा बाधित किया जाना एक सामयिक व्यवस्था है, तो क्या उसे छोड़ दिया जाए कि ठीक है था हो गया इसका खत्म हुआ चलिए, या उससे लड़ने के लिए हमें आज भी लिखना उतना ही है? तो कोविड की बहुत सारी कविताएं सामयिकता का या तात्कालिकता कही जाएंगी कि तात्कालिकता से उपजी हुई कविताएं हैं, उनका एक शाश्वत महत्व हो सकता है नहीं रहे, लेकिन इस तात्कालिकता से हमें जूझना पड़ेगा। और इस तात्कालिकता को या समसामयिकता को से हम आंख नहीं मूंद सकते। तो अगर हमारा साहित्य वो हम अगर ये मानते हैं कि साहित्य आज भी इस भूमिका में है कि वो समाज को दिशा दे सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है, तो हमें इस समय से आंख मूंद कर समझौता नहीं करना चाहिए। अंतिम बात में जो सृजनात्मकता की क्षितिज की बात है, मुझे नहीं लगता कि सृजनात्मकता का कोई क्षितिज जैसी चीज होनी चाहिए। सृजनात्मकता की दिशाएं असंख्य हो सकती है, वो 360 × 360 हो सकती है, विस्तृत आकाश है कि हम उसमें क्या क्या नए प्रयोग कर सकते हैं, किन किन दिशाओं में सोच सकते हैं, किन किन दिशाओं में जा सकते हैं। लेकिन मैं यह सोचकर लिखूं कि मुझे यह लिखना है या मुझे लिखकर किस आयाम तक पहुंचना है, इस क्षितिज तक पहुंचना है, यह सोचकर कम से कम मैं तो ये मेरी सीमा भी हो सकती है, इसमें सीमा भी शब्द है, तो ये तो मेरी सीमा है कि मैं यह सोचकर तो नहीं लिख सकता। मेरे सामने कुछ सामने घटता हुआ होता है, वही मुझे उद्वेलित करता है और वही मुझे लिखने को मजबूर करता है। लिखने कमजोरी भी कह सकते हैं इसे, मैं स्वीकारने में मुझे कोई अफसोस भी नहीं, क्योंकि एक अगर हम परंपरा से नहीं जुड़ते हैं तो लगता है कि
कि भाई इसको परंपरा का ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ तात्कालिक है। और ये साहित्य ऐसा भी नहीं लिखता कि जिसका कोई भविष्य में जाकर महत्व रहने वाला है। तो इन सीमाओं और क्षितिजों के बीच ही जो भी कुछ मैं तक लिख पाया हूँ, रच पाया हूँ, यही मेरा परिचय। धन्यवाद।